पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उत्सव को मनाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह ने अनूठी पहल शुरू की है। IARI संस्थान के सभी अतिथि गृहों और छात्रावास की मैस में हर दिन पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन अतिथियों और छात्रों को खिलाए जा रहे हैं। देखते हैं हमारी संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आगाज के साथ ही दुनिया भर में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इसी क्रम में पोषक अनाजों के इस उत्सव वर्ष को यादगार बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अनूठी पहल शुरू की है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि IARI के परिसर में स्थित सभी अतिथि गृहों और सभी छात्रावासों की मैस में पोषक अनाजों से तैयार स्वादिष्ट व लाजवाब व्यंजन बनाकर अतिथियों व छात्रों की थाली में परोसे जाएंगे। मीडिया के साथ संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह खुद संस्थान के हेमंत व वसंत हॉस्टल की यूनाइटेड मैस में पहुंचे और छात्रों के बीच बाजरे की रोटी और अन्य व्यंजनों से तैयार भोजन का लुत्फ उठाया। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आज से इस वर्ष की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारे जितने छात्रावास की मेस है और हमारा जो अतिथि गृह है वहाँ पर प्रतिदिन मिलेट के द्वारा बनाया गया एक व्यंजन दिया जाएगा सभी लोगों खाने के लिए। आज के दिन हमारे हाथ में बाजरे की रोटी है और सामने भी रोटी रखी हुई है और ये हम सर्व कर रहे हैं। इसके साथ गुड़, जो कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, बाजरे की रोटी, घी और गुड़ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसको जानने के लिए आपको खाना बहुत जरूरी है। IARI के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा कि बाजरे के आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के साथ कड़वापन दूर करने के लिए बाजरे के आटे में गेहूं से निकालकर ग्लूटेन प्रोटीन मिलाकर नवाचार किया है। इससे गेहूं के आटे की तरह बाजरे की भी लचीली रोटियां बनाई जा सकती हैं। संस्थान ने एक नवाचार किया है जिसमें गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको हम ग्लूटेन बोलते हैं, और इस प्रोटीन के अंदर बाइंडिंग क्षमता होती है तो उसका 10% प्रोटीन लेकर के बाजरे के आटे में मिला करके नया बाजरे का आटा तैयार किया गया जिसको हम हलूर का नाम दिए हैं। उसकी रोटी उतनी ही मुलायम बनती है जितनी गेहूं की रोटी होती है, उसको तवे पे फुलाया जा सकता है और कोई भी आदमी, कोई भी गृहिणी उसको आराम से बना सकते हैं। IARI के छात्रावासों की मैस में संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह द्वारा पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन उपलब्ध कराने की सार्थक पहल का छात्रों ने भी स्वागत किया है। ये पहल बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जैसे UN ने ये किया है, 2023 का जो ईयर है, ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसको छोटे छोटे स्टेप से कैसे हम अपने इसमें ला सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कैसे एक साथ बैठ के ये बाजरे की रोटी खाना, आप बस मिलेट्स की बातें और रिसर्च तक नहीं, हम लोग यहाँ अपने थाली में मिलेट्स खा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे निर्देशक महोदय के मार्गदर्शन में हम जो भी बैलेंस डाइट है वो लेते आ रहे हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे। और हमारी सबसे यही अपील रहेगी कृषि छात्र होने के नाते कि इन सब के फ़ायदों के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स और इनका यूज़ करें डाइट। मैं इस मैस का इंचार्ज होते हुए इस मैस में हर 7 दिन में अलग अलग मोटे अनाज के व्यंजन हैं, हर दिन एक डाइट में एक व्यंजन का प्रावधान रखा गया है और आज बाजरे का रोटी है, फिर कल रागी, इस टाइप से हर अलग अलग दिन में अलग अलग दिन एक व्यंजन रखा जाएगा। हमारे मेस में ऐसे तरह तरह के व्यंजन बनते रहते हैं। अभी कल भी हमारे मेस में मक्के की रोटी बनी थी, सरसों का साग बना था, तो हमारे मेस में काफ़ी बैलेंस डाइट मिलता है, मेस के खाने से काफ़ी खुश हूँ मैं। अभी बाजरे की रोटी, गाजर की सब्जी और दही और गुड़ मिला। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह हमेशा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह कि IARI में पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का काम हो या कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाने का मामला, हर विषय में IARI का नाम न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अग्रणी रहता है। अभी हम मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बसंत हॉस्टल की मेस में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं छात्र, इस वक्त लंच का टाइम है और मोटे अनाजों का खाद्यान्न अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के क्रम में आयोजित इस नई पहल से एक ओर जहां छात्रावास में सभी छात्रों को पोषक अनाजों से युक्त खाद्य मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की पहल को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी होगा।
मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। डीडी के साथ बदलते भारत की शान।